उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे को गोद में लिए एक शख्स पर अकबरपुर कोतवाल वीके मिश्रा जमकर लाठी बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके के जिला अस्पताल के सामने की घटना है। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ लाठियों से हमला किया बल्कि उसके बच्चे को भी छीनने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि इस शख्स ने एक इंस्पेक्टर के हाथ पर काट लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद अकबरपुर इंस्पेक्टर को एडीजी जोन भानु भास्कर ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले देर रात इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया था। वीडियो में युवक बच्चे को लग जाएगी मत मारिए कहते हुए सुनाई दे रहा है। वहीं इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस कर्मी उसका पीछा करते हैं और कुछ अधिकारी बच्चे को जबरदस्ती उससे दूर खींचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान युवा कह रहा है कि यह उसका बच्चा है और उसकी माँ भी नहीं है। बच्चा रोने लगता है लेकिन पुलिस को उस पर कोई तरस नहीं आता है। पुलिस ने बताया कि युवक कानपुर देहात के अकबरपुर में जिला अस्पताल का कर्मचारी है और उसका भाई उपद्रव करने वाले लोगों में शामिल है। कानपुर देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि कुछ लोग इलाके में अराजकता फैला रहे थे, अस्पताल की ओपीडी को बंद कर रहे थे और मरीजों को डरा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। कानपुर देहात के जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के दौरान मिट्टी खनन कर बेचने वाहनों की आवाजाही से सड़क पर नाली टूटने का आरोप लगा कर्मचारियों ने गुरुवार को ओपीडी में ताला बंद कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने डॉक्टरों व मरीजों को ओपीडी से बाहर निकाल दिया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। इसी बीच वार्ड बॉय ने कोतवाल का अंगूठा चबा लिया और दरोगा से हाथापाई की तो पुलिस ने उसे जमकर पीट दिया। इसके बाद पुलिस ने वार्ड बॉय को हिरासत में ले लिया। मौके पर पहुंचे सीएमओ एसडीएम व सीओ ने ओपीडी खुलवा कर इलाज शुरू कराया है। देर शाम तक पुलिस को मामले में किसी ने तहरीर नहीं दी। अकबरपुर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए ठेकेदार मिट्टी खुदाई सहित अन्य कार्य करा रहा है। परिसर में आवासित स्वास्थ्य कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार के गुर्गे रात में अधिकारियों से नजर बचाकर मिट्टी खनन कर बाहर बेच देते हैं। वाहनों के निकलने से सड़क व नालियां टूट गई हैं। इसकी शिकायत सीएमएस सहित अन्य अधिकारियों से की गई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सर, थाना अकबरपुर क्षेत्र के जिला अस्पताल में हुई घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि आज जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसका नाम रजनीश शुक्ला है, उसके द्वारा अपने 100-150 साथियों के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई और साथ ही डॉक्टरों को मरीजों को देखने से मना किया जाने लगा। साथ ही जो अस्पताल के कर्मी हैं और मरीज हैं उनके साथ वो अभद्रता करने लगे। इस प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस बल वहां मौके पर पहुंची और रजनीश शुक्ला को समझाने का प्रयास किया लेकिन रजनीश शुक्ला और उसके साथियों ने चौकी इंचार्ज और अन्य जवानों को भी कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ व्यवहार करने की कोशिश की। तत्पश्चात थानाध्यक्ष पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी रजनीश शुक्ला और उनके साथियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन रजनीश शुक्ला और उग्र होते हुए थानाध्यक्ष के अंगूठे को अपने दांतों से काट लिया और वहाँ और उपद्रव फैलाने लगा। इस स्थिति में पुलिस बल के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करके रजनीश शुक्ला और उनके साथियों को परिसर से हटाया गया और जिला अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराया गया। उक्त वीडियो में जिस व्यक्ति के गोद में बच्चा है वह रजनीश शुक्ला का भाई है और उसके द्वारा भी भीड़ में जाके भीड़ को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था, साथ ही जो है उपद्रव करने का भी प्रयास किया जा रहा था। उसको भीड़ से हटाने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए पुलिस बल के द्वारा वहां भीड़ से हटाया गया। उक्त रजनीश शुक्ला जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है, पूर्व में भी आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा है। पूर्व में उप जिलाधिकारी के विरुद्ध भी इसने हमला किया था जिसके संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया था और अभी यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। आज फिर उसके द्वारा यह अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक व्यक्ति के गोद में बच्चा है और जिस पर पुलिस बल प्रयोग कर रही है, तो इस प्रकरण की पूरी जानकारी हो, तथ्यों की सारी जानकारी हो, इसके लिए एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई है। साथ ही
जांच की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा के लाइन हाजिर किया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अन्य विधिक और विभागीय कार्रवाई सुनी। सर, थाना अकबरपुर क्षेत्र के जिला अस्पताल में हुई घटना के संबंध में जानकारी। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के संदर्भ में जानकारी देनी है कि आज जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला द्वारा 100-150 लोगों के साथ अराजकता फैलाते हुए अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था और अस्पताल कर्मी मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस बल के समझाने पर भी रजनीश शुक्ला उसके साथी नहीं माने और उन्होंने चौकी इंचार्ज व उनके कुछ सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया था और अभद्रता करने की कोशिश करने लगे थे। और इस मौके पर थानाध्यक्ष पर्याप्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और रजनीश शुक्ला और उसके साथियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु रजनीश शुक्ला और उग्र होते हुए थानाध्यक्ष पर हमला करते हुए उनका अंगूठा दांतों से काट लिया था और पूरे अस्पताल में अराजकता का माहौल बन गया था और मरीज व उसके परिजन हलकान होने लगे थे। ऐसी स्थिति में हल्का बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को हटाया गया था और अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराया गया था। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति रजनीश शुक्ला का भाई है और वो बच्चे को साथ ही भीड़ के में जाकर लोगों को उकसाने का कार्य कर रहा था और साथ ही मना करने पर अभद्र व्यवहार कर रहा था। मौके से हटाने के लिए पुलिस बल द्वारा न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग किया गया और उससे बच्चे की सुरक्षा का भी प्रयास किया गया था। उक्त रजनीश शुक्ला पूर्व में भी एसडीएम पर हमला करने का अपराध दर्ज है और जो न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी पूरे प्रकरण को इस मामले में तथ्यों की संपूर्ण जानकारी के लिए जांच कराई जा रही है और जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए प्यार एसटी न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।